الحمد رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. مهبت كسات. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى الك واصحابك يا शफीआल हम दो सलात के बाद सूरत नूर की तफसीर आप सुन रहे हैं और आज उसकी आखिरी आयत 64 नंबर तिलावत की है मुअज़्ज़म का आखिरी जुम्मा है और अगला जुम्मा इन शाह रमदान में आएगा इस हवाले से खुलासा तो पेश कर चुका कुछ जरूरी बातें दोहराऊंगा हमें तालीम किया गया के रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है इसकी कुछ तफसील आपको सुना चुका बेशक अल्लाह जानता है जो तुम में चुपके निकल जाते हैं किसी चीज़ की आड़ लेकर तो डरें वो वो जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं कि उन्हें कोई फितना पहुंचे या उन पर दर्दनाक अजाब पड़े अल्लाह तब के दिलों का हाल भी जानता है और किसी के बताए बगैर जानता है खुद से जानता है हम नीयत करते हैं नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं जो वो इरादा पुख्ता पक्का जबान से अल्फाज दोहराना मुस्तहब पसंदीदा शुमार होता है न भी कहा जाए तो दिल का पुख्ता इरादा नीयत कहलाता है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम का इरशाद इन अमल आमाल बिन नीयात आमाल नीयतों के साथ हैं यानी अमलों का दारो मदार नीयत पर है किस महफिल में कौन किस नीयत से आया है किसकी बारगाह में आया है क्या इरादा लेकर आया है वो भले कुछ भी बयान करे जो हकीकत है उसके हाल की अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है मस्जिद में कै को लोग आते हैं नमाज पढ़ने इबादत करने हो सकता है कोई जूती चुराने आया हो कोई और किसी मकसद से आया हो बज़ाहिर देखने वाला कुछ भी कह सकता है लेकिन जो हकीक़त है उसकी अल्लाह ताला बेखबर नहीं है यहाँ पर बताया गया कि नबी करीम सल्ला वसल्लम के पास कभी बात सुनने या कोई और मशवरे की महफिल होती तो कुछ लोग चुपके चुपके खिसकते मस्जिद के किनारे पे चले जाते कोई चीज़ आड़ होती दरख्त है कोई चीज रखी है उसके पीछे होके चुपके से निकल जाते थे मकसद ये कि हमें कोई देख नहीं रहा अल्लाह ने उसका भी इशारा फरमा दिया कि ये क्या समझते हैं कि अल्लाह को खबर नहीं है अल्लाह ताला बखूबी जानता है तो डरें वो जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं अगर रसूल हुक्म दे ही नहीं सकता तो अल्लाह ने यह क्यों फरमाया पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु वसल्लम को हुक्म का इख्तियार है और जो वो हुक्म दे दें दे, उसे उसी तरह मानना है जिस तरह अल्लाह के हुक्म को मानते हैं क्योंकि कुरान में दूसरे मकाम पर है मैं यु रसूल फ़कद अता अल्ला। जो रसूल का कहना मानता है वो हकीकत में अल्लाह ही का कहना मानता है कुछ लोग जो कह देते हैं नहीं अल्लाह का हुक्म मानेंगे किसी और का नहीं मानेंगे उनके लिए भी जवाब हो गया क़ुरान की आयत बताती है वकुल्न आतई ना हुक्म व इल्मा अल्लाह नबियों के लिए फरमा रहा है हमने सब को हुक्म और इलम अता किया तो नबी का हुक्म बतमों कमाल पूरी तरह मानना होगा अगर ईमान के दावेदार हैं तो हम नबी का हुक्म भी पूरी तरह माने नहीं मान रहे तो ईमानी दावा दोस्त नहीं होगा एक बात दूसरी बात ये कि जो निकल जाते हैं रसूल की इजाजत के बगैर रसूल से कहे बगैर तो वो डरे कहीं उन्हें कोई फितना पहुंच सकता है या फिर दर्दनाक आजाब जो कुरान की आयत है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ करने वाले सही समत की बजाय मुखालिफ सम जाने वाले रू गर्दानी करने वाले रू गर्दानी का मतलब मुंह फेरने वाले डरे उन पर या तो कोई मुसीबत आएगी या दर्दनाक अजाब ये कुरान का बयान है तो अब मुसीबत जो जाहिर होगी या तो वो उनकी असलियत को बेनकाब करेगी जिसको उर्दू में आप कहते हैं कि फलाने के पोल खुल गए उसकी कहते हैं गुब्बारे से हवा निकल गई पता चल गया कि असली बात क्या थी या वो तबाह बर्बाद होंगे या उन पर किसी जाबिर सख्त हुक्मरान का तसल्लुत हो जाएगा या वो को ऐसे मरीज हो जाएंगे जिसमें उनके लिए शिफा नहीं होगी कितना सख्त हुक्म है इसके बाद भी कोई ये कहे कि मैं नबी की बात नहीं मानता तो क्या वो मोमिन होगा नहीं तो कुरान ने बता दिया कि एक तो रसूल को उस तरह पुकारना नहीं है जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं दूसरा ये कि रसूल बुलाएं तो रसूल की इजाजत के बगैर जाना नहीं है आए हैं रसूल के पास तो इजाजत के बगैर नहीं जा सकते जो जाते हैं उनके लिए बता दिया गया दिल बादशाह होता है जिसमें इंसानी में इस दिल को जब तक नबी के ताबे न किया जाए उस वक्त तक ईमान की लज्जत और हलावत महसूस हो सकती नहीं कुफार का महशर में क़यामत के दिन हिसाब किताब उन्हें रसवा करने के लिए होगा और दूसरों के लिए इबरत होगा जो देख रहे होंगे लेकिन ए ईमान वालो तुम अगर नबी का हुक्म नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत में मसला हो जाएगा ये तफसीर की जो तफसील है उसमें एक एक लफ्ज के हवाले से किताबों में जो दर्ज है उसमें यह है कि ये दोनों अजाब भी जमा हो सकते हैं फितना और दर्दनाक अजाब और कोई भी तकलीफ़ उनके लिए हो सकती है चोरी से निकल जाना चुपके से निकल जाना तो जब इस हद तक नबी के अदब की तालीम है तो फिर उनका हुक्म हो जाए तो फिर किस कदर हमें पा, उसकी पाबंदी करनी चाहिए हमें इसका अंदाजा होना चाहिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अकरम सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम अल्लाह तता से मखलूक में जो शान रखते हैं उसको न मानना ईमान वाले का काम नहीं ईमान वाला उनकी बात को मानेगा हमारे साथ दुनिया में बहुत से मसाइल हैं अगर हम खवास जो खास लोग हैं उनका हाल देखें और आवाम का हाल देखें तो फितना आवाम के लिए और बला खवास के लिए कोई इम्तिहान, कोई सख्ती कोई तकलीफ़ अल्लाह की मखलूक़ हैं फितने पर पकड़ होती है बला से माफ़ी मिल जाती है बल्कि साहिब बला को वाब मिलता है जिस तकलीफ़ से वो गुज़रता है मगर आवाम के लिए सख्त हुक्म है उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए अब इसको अगर आज के लिए हम देखें हमारे यहां बादशाह की महफिल हो कोई ओहदेदार की महफिल हो तो हम पहले से जाते हैं और जब तक खत्म ना हो जाए वहां से हिलते नहीं मीलाद शरीफ की महफ़िल में बुलाया जाए वक्त पर नहीं आते और जब जी चाहता है निकल जाते हैं तो अगर इस तफसर को फैलाकर ये देखा जाए कि किसकी महफ़िल में आए हैं तो आज भी हमें महाफ़िले मीलाद में अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा या वो जो ज़िक्र सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की मजलिस हो आदाब से आना और आदाब का ख़याल रखना ये ज़रूरी होगा तो ये उसका खुलासा जो मैंने दोहराया अब आखिरी आयत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला इन्ना मा वल आलावा सुन लो आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है हकीकी मालिक कौन है मोहब्बत से कहिए अल्लाह ताला। लेकिन हम भी अपनी मिलकियत का दावा करते हैं या नहीं मैं इस दुकान का मालिक हूं इस मकान का मालिक हूं इस सामान का मालिक हूं कहते हैं या नहीं तो हमारी नस्बत मिल्कियत की मजाजी है वो जो जायज रखी गई है लेकिन हकीकी मालिक कौन है ऊंची अब समझदार लोग हैं आप जरा मुझे बताएं जब हकीकी मालिक अल्लाह ताला है तो मालिक की मर्जी के बगैर इस्तेमाल होना चाहिए ऊंची हैं, तो फिर अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं ये अल्लाह की ममलकत है इसमें अल्लाह ही की रजा के मुताबिक होना चाहिए मगर दुनिया के अहवाल आपके सामने हैं हम जो कुछ जिस पहाड़ों को काट रहे हैं हम नेचर को बदल रहे हैं तो हम जो कुछ कर रहे हैं किस इख्तियार पे कर रहे हैं अगर पूछा जाए किसी से है तो अल्लाह का तुम्हारा तो नहीं है मगर हम दावे करते हैं उसमें जो चाहे तब्दीली करते हैं तो क्या हमारा ये अमल जायज होगा सोचना चाहिए जुमला मौजूदात जो कुछ मौजूद है जितनी भी है वो छोटी है वो बड़ी है वो नजर आ रही है या नजर नहीं आ रही आसमानों में जमीन में जहां जो कुछ है बहुत सी चीजें हैं नजर नहीं आती हवा है या नहीं है पूछ रहा हूं नजर आती है मानते हैं आसमान अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो आप इनकार कर सकते मौजूद है क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है जो कुछ आसमानों और जमीन में है मुझे नहीं मालूम कि कितना अभी तक दरियाफ्त हो सका है कितने फीसद कितने परसेंट इंसान ने मालूमत ले ली है को तीन कहता है को पांच कहता है को दस कहता है को बारह फीसद पूरी कायनात की मालूम तो किसी को हो सकती नहीं मगर जो कुछ है वो अल्लाह का है जो लोग फायदा उठा रहे हैं इन सबसे इंसान ने अपने जैसे इंसान रोबोट तैयार कर लिए हैं स्काई पॉलिसी ये स्काई स्क्रैपर्स बना रहा है एक एक मील ऊंची इमारतें बन रही हैं हवाई जहाज रॉकेट क्या क्या सयारे और कौन से आलात हैं जो फजा में छोड़ रहा है इस इंसान को वक्त और फासले पर कितनी दस्तरस हो चुकी है ये जान ले कि ए इंसान कायनत तेरी नहीं है ये अल्लाह की है हाँ तुझे इख्तियार जितना दिया गया है उस इख्तियार को इस्तेमाल करने से पहले ये तो बता ये बनाया किसने है उसको मानता क्यों नहीं है उस पर ईमान क्यों नहीं लाता उसका इनकार क्यों करता है जब खुद तू देख रहा है और तेरी अकल अभी तक हैरान है एक सूरज नजर आ रहा है डेढ़ सौ और है एक जमीन मालूम है कितनी और है कितने सैारे हैं गलेक्सीज हैं लेकिन पूरी मालूम नहीं और हैरान हो रहा है इजादात कर रहा है फिर भी बनाने वाले को पहचान नहीं रहा तो तू इतना तो जान ले कि इसका कोई बनाने वाला है ये निज़ाम कोई चला रहा है कोई है उसको मान उसके बाद इस कायनात में गौर कर तेरे लिए राहें आसान हो जाएंगी तुझे समझना आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गो अल्लाह ताला हकीकी मालिक है अल्लाह जिसको इख्तियार दे उसको भी मानेंगे या नहीं ऊंची अब हमने कुरान की ये आयत पढ़ी अब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं अल्लाह फरमाता है, व माफ़िल कुर्द जमी मिन। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसर कर दिया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अपने हबीब पाक अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है आसमानों में और जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए मुशक्र कर दिया मालिक कौन है अल्लाह वो जिसके लिए मुसक्र कर दे वो भी मानेंगे या नहीं अब माना क्या हुआ महबूब तुम हमारे ताबे हमारी खुदाई तुम्हारे ताबे अल्लाह। अब चाहे तो उंगली का इशारा करके चांद को दो टुकड़े कर लो चाहो तो डूबे हुए सूरज को लौटा लो चाहो तो सूरज को गुरूब होने से रोक दो तुम्हें इख्तियार दे दिया तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया तो अल्लाह ताला का तशर किया हुआ मानेंगे या नहीं मानेंगे पूछ रहा हूं वो भी कुरान की आयत है ये भी कुरान की आयत है ये तो नहीं हो सकता अफतु मिनु न बिबाद के कुरान का कुछ मान लें और कुछ ना माने ऐसा नहीं हो सकता पूरी किताब को मानना है वो भी आयत है ये भी आयत है ये आयत बता रही है सब कुछ अल्लाह का है और वो आयत बता रही है अल्लाह फरमाता है सब कुछ तुम्हारे लिए इसी को आला हजरत फरमाते हैं जमीनों जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए जमीन और जमान जगह है या अरसा है ये किसके लिए महबूब अल्लाह को किसी की हाजत है जरूरत है मकीन रहने वाला मकान जिसमें रहा जाता है ये अर्श से लेकर फर्श तक ये इतने मकान ये किसके लिए है तुम्हारे लिए जमीनों जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना ये फारसी के लफ्ज हैं चुनी चुना ऐसे वैसे ये वो नाम आता है या नहीं आता ये भी है ये आसमान है ये जमीन है ये दरख्त है ये पहाड़ है ये चुनी चुना जो कुछ है चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए पहचाने अल्लाह फरमा रहा है फरमारा वख्कर माफिस समावाति माफ़िल अर्द जमीन जो कुछ आसमानों जमीनों में है हमने तुम्हारे लिए मुशर कर दिया नबी ने वो कमालात जो अल्लाह ने अता किए करके दिखाए या नहीं दिखाए अब अल्लाह का अता किया हुआ मान रहे हैं कि नबी का खुद से कमाल नहीं रबताला का अता किया हुआ मान रहे हैं और इसमें हमारे पास मानने के सिवा कोई गुंजाइश कोई चारा जो इनकार करेगा खुद को महरूम करेगा ईमान से भी फायदे से भी और जो मानेगा उसको फायदा हो तो जो कुछ जमीन में और आसमान में है अल्लाह का है قد يعلم ما तुम عليه बेशक वो जानता है जिस हाल पर तुम हो तुम्हारे अहवाल क्या हैं कैफियात क्या है वो बखूबी जानता अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं अब यहां दो बातें समझना बहुत जरूरी होता है बाज मर्तबा सामने की बात होती है समझ नहीं आती अल्लाह फरमाता है उद मुझसे मांगो अस्तजिब लकुम तुम्हारे लिए कबूल किया जाएगा तुम्हें दिया जाएगा।